भारत सरकार एनपीएस वात्सल्य योजना लेकर आई है, जिसमें माता पिता अपने बच्चों के नाम पर पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस योजना में भारतीय नागरिक जो 18 साल से कम उम्र का होगा, उसके नाम पर खाता खोला जा सकता है। इस खाते को माता पिता या अभिभावक ही संचालित कर सकेंगे। पीएफआरडीए इस योजना को चलाएगा और सभी प्रमुख बैंकों, पोस्ट ऑफिस, पेंशन फंड और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी ईएनपीएस के जरिए इसे खोला जा सकता है। इस अकाउंट में हर साल कम से कम 1,000 रुपए का योगदान जरूरी है। वहीं अधिकतम पैसा निवेश करने की कोई सीमा नहीं रखी गई है। एनपीएस वात्सल्य में इन्वेस्ट के कई ऑप्शंस भी मिलेंगे, जैसे जोखिम उठाने की क्षमता और अपेक्षित रिटर्न के आधार पर विकल्प चुने जा सकते हैं। अलग अलग अनुपात में सरकारी प्रतिभूतियों, कॉरपोरेट ऋण और इक्विटी में निवेश किया जा सकता है। क्या आप एनपीएस वात्सल्य से बीच में रकम निकाल सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, कुछ पैसे निकाले जा सकते हैं। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें भी हैं, यानी खाता खोलने के शुरुआती 3 साल तक आप इसमें से कोई रकम नहीं निकाल सकते। ये लॉक इन पीरियड होगा। 3 साल के बाद खाते से 25% रकम निकाल सकते हैं। हालांकि ये रकम आप पढ़ाई, बीमारी, विकलांगता की स्थिति में ही निकाल सकते हैं। 18 साल तक की उम्र तक अधिकतम 3 बार रकम निकाली जा सकती है। खाता धारक के 18 साल का होने पर क्या होगा? ऐसे में सब्सक्राइबर इस योजना से बाहर हो सकता है। इस दौरान अगर कुल जमा रकम 2.5 लाख रुपए या उससे कम होती है तो पूरी रकम निकाल सकते हैं। वहीं ये जमा हुई रकम 2.5 लाख से ज्यादा होने पर सब्सक्राइबर 25% रकम एक मुश्त निकाल सकता है और बाकी की रकम नियमित आय के रूप में मिलती रहेगी। वहीं खाताधारक की उम्र जब 18 साल हो जाएगी, तब इस योजना को सामान्य एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम के खाते में भी बदला जा सकता है।